स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, मैं मोहम्मद रेहान बाबू संबस पॉलिटेक्निक कॉलेज से। आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर के बीएमसी सब्जेक्ट से गियर चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें से एक टॉपिक है वर्म एंड वर्म गियर। तो इसमें दो तरीके गियर लगे होते हैं वर्म में, उसको वर्म पहिया भी कहते हैं। और तो यहाँ पर देख रहे हैं फिगर हमारा बना हुआ है, इसमें दो तरीके गियर हैं। एक हमारा एक वर्म होता है और दूसरा होता है वर्म गियर। ये दोनों गियर एक दूसरे के संपर्क, ये एक शाफ्ट के आकार का होता है, शाफ्ट होता है। शाफ्ट के ऊपर बीचों बीच में जितने भी हमें शक्ति पारेषण करना है या यहाँ आर पार तक का, किसी किसी वर्म में आर पार तक पूरा हमारा गियर दाता है बनता है, किसी किसी में हमारे बीचों बीच में बना होता है, किसी साइड में एक सिरे से लेकर के पूरे एक सिरे तक का हमारा पूरे गियर की दाताएं बनी होती हैं। तो ये हमारा जो ऊपरी सिरे का जो गियर होता है ये वर्म गियर है। तो वर्म गियर क्या होता है, ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट के आकार का होता है, शाफ्ट के ऊपरी सिरे पे दांते बने होते हैं, तो गियर दांते बने होते हैं जिसपे क्या होता है ये मूव करता है, इसमें शक्ति संचरित होता रहता है। और दूसरा गियर हमारा होता है वर्म गियर, जो गियर से संपर्क से जुड़ा रहता है। यह शायद एक शाफ्ट होता है, उसी के ऊपर ये फिक्स होता है और जिसके ये वृत्ताकार काट में होता है, तो जिसके ऊपरी सिरे में ऊपरी सतह में हमारे क्या होते हैं दांते बने होते हैं। देखें देख दिख रहा है हमारा यहाँ पे क्या है, ये दांते बने हुए हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा होता है, ये हमेशा ढलुआ लोहा या ढलुआ लोहे इस्पात का बना होता है। और इसकी जो मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, इसमें एक पार्ट टूट जाने पर इसका पूरा क्या करना पड़ता है, पूरा वर्म गियर को भी बदलना पड़ता है। इसका ये जो मतलब कहीं कहीं पे ये गियर में काम आता है, इंजन में भी काम आता है, और कहीं कहीं पे इसका काम हम बहुत भारी बोझ भार उठाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो जब इंजन में लगा हो कहीं ये पार्ट इंजन में किसी लगा होता है तो इंजन तरीके से क्या करता है, और कहीं भी बाहर रहता है तो इसको बाहर उठाने का मतलब, तो वहाँ पे इसमें इसके दांता के अतिरिक्त क्या होता है, इसके एक सिरे पे पहिया रहता है, दूसरे सिरे पे क्या होता है हमारा रस्सी बंधा होता है, जो रस्सी जैसे लिपटेगा तो इससे हमारा क्या होता है भार ऊपर की ओर उठता है। ये दो तरीके से काम आता है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे वर्म और गियर से ही मतलब है। तो वर्म गियर क्या होता है, ये हमेशा कहाँ यूज होता है, वहां पे यूज होता है जहाँ पे ये शाफ्ट क्या है एक दूसरे के लंबवत हो और परस्पर एक दूसरे को ना काटते हो, मतलब ये लंबवत होते हैं और ये एक दूसरे को इसके जो अक्ष होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को ना काटती हो यानी ना मिलती हो और ये लंबवत हो एक दूसरे के, और वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें जो शक्ति होती है, जो उसका शक्ति परिसर होता है या जो इसमें शक्ति संचित होता है, जहाँ पे जिस शाफ्ट में या जिस जगह पे हमारे क्या हो अधिक शक्ति उत्पादन अधिक शक्ति उपज होती है अधिक शक्ति होती है, तो उस अधिक शक्ति को जैसे क्या होता है उसमें अधिक चालन भी होता है, चालन क्रिया जो होती है अधिक होती है, और उस अधिक चालन क्रिया की वजह से क्या होता है, अब हमें कहीं पे इसको शक्ति को कहीं पे हमको कम अधिक चालन तो हो रहा है मगर हमको कहीं पे कम शक्ति पारेषित करना हो यानी कम चालन क्रिया करना हो, तब वहां पे हम क्या करते हैं वर्म और वर्म गियर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है वर्म गियर का कार्य क्या होता है, वर्म गियर जो होता है ये अधिक शक्ति को अधिक चालन क्रिया को निम्न शक्ति में या निम्न चालन क्रिया में ये अपन परिवर्तित करता है। तो इसका उपयोग हम हमेशा कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे उच्च शक्ति से चालन क्रिया जो होती है वो निम्न शक्ति में निम्न चालन क्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें दो गियर होते हैं, एक वर्म होता है एक वर्म गियर होता है। वर्म में क्या होता है, वर्म क्रिया क्या होता है, वर्म अपना क्या करता है ये उच्च गति से कार्य करता है, ये वर्म गियर क्या करता है उच्च गति से क्या कार्य करता है, और इसका शक्ति जो होता है वर्म गियर पे हमारा परिवर्तित करता है। तो वर्म गियर क्या करता है देखेंगे, स्ट्रक्चर जो इसका है इसकी अपेक्षा ज्यादा डायम है, इसलिए ये अगर चार चक्कर घूमेगा तो ये दो ही चक्कर घूमेगा, तो मतलब क्यों, क्योंकि देखेंगे ये ज्यादा डाया का है,
और ये कम डाया का है, तो कम डाया वाला ज्यादा मूव करेगा और बड़ा डाया वाला ज्यादा कम, कम डाया वाला ज्यादा मूव करेगा और कम बड़ा डाया वाला हमारा कम मूव करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये ज्यादा संचित होता है, ज्यादा चालन क्रिया इसमें होती है, इसलिए इसको क्या करता है, इसको ये घूमता है, तो ये भी इसके संपर्क क्षेत्र में इसके दांतों की सहायता से ये भी क्रिया करता है। एटम ऐसे भी पता चले कम डाया वाला जो होता है वो अधिक मूव करेगा, तो बड़ा डाया वाला कम अधिक नहीं मतलब उसके अपेक्षा कम मूव करेगा, इसलिए यहाँ पे इसमें ज्यादा अधिक शक्ति संचरण होता है, जिससे कि इसमें क्या होता है निम्न शक्ति संचरण में परिवर्तित कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा था वर्म गियर, इसमें ये टॉपिक था। और कल इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ाए थे वो हेलिकल गियर, स्क्रू गियर और इसी तरह मतलब कई गियर पढ़ाए थे, उसी में एक भी एक गियर है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी दो तरीके से क्वेश्चन पूछ ले गए, एक होता है वर्म पहिया और एक ये होता है वर्म गियर। अगर वर्म पहिया की बात करेगा तो वर्म पहिया हमेशा क्या होता है, भार उठाने के काम आता है, और वर्म गियर क्या होता है, ये शक्ति संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है, ये शक्ति को या गियर को एक मूव को दूसरे गियर पे शक्ति संचरण के लिए प्रयोग किया। तो यहाँ पे अगर वर्म पहिये के बारे में पूछेगा तो उसको भार से रिलेटिव हम कोई आंसर देंगे, और अगर वर्म गियर पूछता है तो इसको हम गियर के अकॉर्डिंग ही गियर के से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वर्म गियर से आप क्या समझते हैं का सचित्र वर्णन करें, इस तरह पूछ सकता है वर्म गियर का कहाँ प्रयोग होता है इसके बारे में समझाइए, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं जी। और इसके बारे में पढ़ना है आपको, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर पे पूछता है, तो ये इसको तैयारी तैयार करना है। और इससे पिछले क्लास में आपको गियर के बारे में पढ़ाए, जो इम्पोर्टेंट थे वो गियर हमने आपको पढ़ा चुके हैं, और भी गियर हैं अगर चाहेंगे तो और भी गियर आपको पढ़ा देंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमारे पे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप हमारे जितने भी गियर के चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में इसमें जो समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर बुक खोल कर देखते होंगे कि ये गियर जो होता है ये थ्योरी ही है और आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन नहीं है, अगर बुक में डेरिवेशन न्यूमेरिकल दिया गया होगा तो उसमें आप घबराना नहीं है, आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ गियर का थ्योरी ही पढ़ना है, इसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से आपसे मतलब नहीं है। एमा आपको जो क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये सिर्फ आपका थ्योरी में ही पूछेगा, अगर डेरिवेशन चाहेंगे तो हम पढ़ा भी सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको हम और भी गियर के बारे में लेके आएंगे, तो फिलहाल आपका यहीं तक लेक्चर रहा हमारा, और जिसमें भी और भी गियर जो और चैप्टर जो लेक्चर में लेक्चर दे दिए हैं उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल जाके पिछला लेक्चर आप उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं, और इसको भी आप पढ़ना है, और जो भी डाउट जो सारे वीडियो देखिए और जो भी आपको डाउट हो उस पर जा करके कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को हम दोबारा आपको जो इस टॉपिक में ना समझ में आया जो पॉइंट ना समझ में आया उसको आप पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। और यहीं तक हमारा क्लास, अब अगले लेक्चर मिलेंगे फिर गियर ही चैप्टर से रिलेटेड फिर टॉपिक लेकर आएंगे, तो यहाँ तक ये संपन्न हुआ, आपको फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में कल। धन्यवाद।